नमस्कार, मैं सचिन कुमार। 8 जनवरी 2019, 103वां संवैधानिक संशोधन एक्ट लोकसभा में और 10 जनवरी को राज्यसभा में पास होता है। इस एक्ट के तहत आर्टिकल 15 सब क्लोज 6 और आर्टिकल 16 सब क्लोज 6 संविधान में जोड़ा गया। इस एक्ट के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने की बात रखी गई, लेकिन EWS के लिए पात्रता मापदंड यह रखा गया कि यदि आप SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। दूसरा पॉइंट, यदि आपकी फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख से कम है तो आप एलिजिबल हैं। तीसरा पॉइंट, यदि आपका परिवार 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा के फ्लैट में रहता है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका परिवार किसी ऐसे प्लॉट का मालिक ना हो जो नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज में 100 स्क्वायर यार्ड्स का और अननोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज में 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा का ना हो। इस बिल पर कई लोगों ने असहमति जताई और उनकी मुख्य दलीलें यह थी कि EWS की जो क्राइटेरिया निर्धारित की गई है वो सही नहीं है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के मुताबिक इस क्राइटेरिया में देश की 95% आबादी कवर हो जाएगी। क्या केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है? ? क्या यह बिल इंदिरा सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित की हुई आरक्षण की सीमा का उल्लंघन नहीं करता है? 1992 में इंदिरा सानी ने मंडल कमीशन द्वारा दिए गए आरक्षण के सुझावों को चुनौती दी थी। सानी की पहली दलील यह थी कि क्या केवल जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है? क्या आरक्षण की सीमा 50% से अधिक करने से समाज में अराजकता नहीं फैलेगी? सानी कहती हैं केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तमाम अनिलों और दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कहता है कि OBCs को आरक्षण मिलेगा, लेकिन सिर्फ उनको जो नॉन क्रीमी लेयर यानी कि NCL के हैं। कोर्ट ने कहा आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती और EWS को आरक्षण देना गलत ठहराया गया। तो यह थी इंदिरा सानी की कहानी। आज का जो सवाल है वो यह है कि क्या ये बिल संविधान की मूल संरचना को हानि नहीं पहुंचाता? आर्टिकल 15 सब क्लोज 4 कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 29 शॉल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब। नोट द वर्ड्स केयरफुली, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। आर्टिकल 16 सब क्लोज 4 कहता है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शॉल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट्स इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। नोट द वर्ड बैकवर्ड क्लास, which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state. 20 याचिकाएं इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर होती हैं। 5 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट इस बिल के ऑर्डर को रिजर्व कर लेता है और केस को संवैधानिक पीठ को रेफर कर देता है। 5 अगस्त 2022 को कोर्ट इस केस को 5 जजों की बेंच को रेफर कर देता है। सितंबर 2022 के पहले हफ्ते से केस की सुनवाई शुरू हो जाती है। 27 सितंबर 2022 को इस केस की सुनवाई समाप्त हो जाती है और कोर्ट फैसले को रोक कर रखता है। 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट का 3-2 का विभाजित फैसला आता है। जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला तिवारी, जस्टिस जेवी पारदीवाला इस बिल के पक्ष में फैसला सुनाते हैं। जस्टिस दिनेश महेश्वरी कहते हैं, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर EWS क्वाटा इज वैलिड and does not violate the basic structure of constitution. He also said that the EWS reservation does not cause damage to any essential feature of the constitution by exceeding the 50% ceiling for quota since the ceiling is itself flexible. Justice Bela Trivedi said, the 103rd constitutional amendment cannot be struck down on grounds of being discriminatory. She added that, there is a need to revisit the reservation policy and it should have time span. Justice J.V. Pardiwala said that the reservation cannot go on for indefinite period and agreed with Justice Trivedi to re-examine
रिजर्वेशन पॉलिसी, डिसएग्रीइंग विद द मेजॉरिटी वर्डिक्ट ऑन वैलिडिटी ऑफ द 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. जस्टिस रविंद्र भट्ट सेड दैट लीविंग आउट द पुअर फ्रॉम एससीज एसटीज ओबीसीज फ्रॉम अवेलिंग द रिजर्वेशन बेनिफिट अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इज डिस्क्रिमिनेटरी. द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित एग्रीड विद जस्टिस भट्ट. एक आंकड़ा मैं भी बता देता हूँ. नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के मुताबिक 31.7 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिसमें से एससीज 38%, एसटीज 48.4%, ओबीसीज 13.86% और सामान्य वर्ग के लोग 5.85% हैं. परिभाषाओं में जरूर आरक्षण सामाजिक न्याय का जरिया है, लेकिन चुनाव जीतने की राजनीति ने सामाजिक न्याय की परिभाषा से आरक्षण को बाहर कर दिया है. आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है. यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि गरीबी दूर करने के लिए कई तरह की योजनाएं हैं, छात्रवृत्ति है, सब्सिडी है. आरक्षण उनके लिए है जिनके साथ ऐतिहासिक रूप से सामाजिक भेदभाव हुआ है, जिन्हें संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिला, सामाजिक हैसियत नहीं मिली. इसलिए एससी एसटी ओबीसीज को सामाजिक बराबरी और सम्मान के स्तर पर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था लाई गई. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण का दायरा बड़ा हो गया, लेकिन जहां लागू होना है उसका दायरा सिमट कर रह गया. सरकारी नौकरियां ठेके की हो गई, खत्म हो गई और पेंशन समाप्त हो गया. अग्निवीर के बाद आप जल्द ही एसएससी वीर, आईएएस वीर और धरातल वीर को देखने वाले हैं, जो वीर वीर कहलाते कहलाते किसी दिन नौकरी ना मिलने की वजह से वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे. सरकारी नौकरियों का स्वरूप बदल रहा है. उस हिसाब से इस समस्या को देखेंगे तो स्थिति निराशाजनक है. नेताओं ने एक रास्ता निकाल लिया है कि नौकरी ना दो, मगर आरक्षण देकर जनता के बीच सीना फुलाते रहो. आखिरकार ये कब तक चलेगा? कब तक आप यहाँ मूर्ख बने बैठे रहेंगे? धन्यवाद.